Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Simran, welcome to eTimes TV. How are you? I'm great. अच्छा सिमरन, यू टेल मी, यू नो लॉकडाउन का वक्त जो रहा है वो सबके लिए डिफरेंट रहा है और चैलेंजेस से भरा हुआ रहा है. अलग अलग लेवल पर पीपल हैव यू नो कोप्ड अप विद डिफरेंट चैलेंजेस एंड क्राइसिस. हाउ वाज द लॉकडाउन फेज लास्ट ईयर से लेके अब तक आपके लिए कैसा रहा है? कितना चैलेंजिंग, कितना डिफरेंट, कितना डिफिकल्ट रहा है आपके लिए? आई थिंक डिफिकल्ट तो हम सबके लिए रहा है, स्पेशली आई डोंट नो इफ आई एम राइट टू से दिस, बट फॉर द यंगर जनरेशन, बिकॉज दे लव गोइंग आउट, दे लव यू नो वर्किंग और यू नो गो टू जिम और लाइक जस्ट चिल विथ योर फ्रेंड्स. सो इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट. देर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इशूज हैपनिंग नाउ अ डेज. So yeah, and also because I think my mom was not well, so I had a difficult time, but at the same time I spent a lot of time with my family. So I don't know, I'm grateful for that. But I think theek hai, ho gaya, sab shuru ho jaye to acha hai. But pressure tha ki you know kaam kab fir se shuru hoga, will I be you know getting project and you know kab se audition shuru hoga, ye ek pressure tha ki you know वो जो financial cycle रहता है एक actor का वो कब शुरू होगा? Actually I'm someone, I'm not that person to be honest. My mom nags me to save money, so touch wood, that way I was a little bit secure, but then at the end everyone needs to work. So I was having those thoughts, and you know I used to overthink a lot. You go and you start overthinking and you go into negative zone, you know what's gonna happen next in the world. Shooting kabhi shuru bhi hogi kya, kabhi hum malls wapas bhi jayenge kya, to wo sare khayal aate hain. But I think I used to work out जब भी ऐसे सब होता था, and I used to meditate. तो उससे थोड़ा आप शांत हो जाते हो. And you know, you have done a lot of, you know, अभी तक तो आपने काफी कुछ shows कर लिए अलग तरीके के, आपने Tollywood में भी काम किया है. What do you enjoy as a medium? आप क्या enjoy ज़्यादा करते हो? Being part of a daily soap जो आपको हर घर में पहुँचाता है, but you know not from your original name but aapke screen name se aap you know jaane jaate ho, or the films that you do. I think I what I really really enjoy is a creative story and creative people coming together to work on it. When it becomes like ki, oh we are just working, we are not putting any creativity into it, to fir wo mere liye bahut boring ho jata hai. बट काम तो काम ही होता है, वर्क इज वर्शिप. सो आई थिंक दैट इज, एंड ऑल्सो दैट यू नो नाउ दैट साउथ, आई लव साउथ इंडियन मूवीज, बट आई लव टेलीविजन ऑल्सो बिकॉज आई कैन, आई स्टे विथ माई फैमिली सो आई कैन मीट माई पेरेंट्स. फॉर दैट आई हैव टू गो टू हैदराबाद एंड आई हैव टू स्टे देयर, सो आई एम अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज आई एम वेरी मम्मी डैडी की लड़की. तो इसलिए, बट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने टीवी किया है और साउथ इंडियन मूवीज की है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आफ्टर, ऑब्वियसली आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, कि मैं वेब सीरीज करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मैंने किया नहीं है, तो मुझे उसका भी एक ये एक्सपीरियंस लेना है. राइट, एंड यू नो आपका हर शो कहीं ना कहीं दूसरे पहले शो से अलग रहा है. यू हैव कॉन्शियसली मेड एन एफर्ट, यू नो आपके अगर हम करियर के फिल्मोग्राफी के हिसाब से जाएं तो योर शोज हैव बीन डिफरेंट. स्पेशली आपका जो लास्ट शो था इशारों इशारों में, इट वाज वेरी डिफरेंट, एंड यू नो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी अ शो लाइक दैट और अ कॉन्सेप्ट लाइक दैट. बट जब वो यू नो उतने टाइम तक चला नहीं, सस्टेन नहीं कर पाया, और इट वॉज पुल्ड ऑफ एयर यू नो फॉर अदर रीजन्स, डज इट अफेक्ट यू एज एन एक्टर? बिकॉज यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, बट वो उतना एक्सेप्ट नहीं हो पाया, या एक्सेप्ट हुआ फिर भी शायद चैनल ने या मेकर्स ने उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया उसको? Yeah, of course, when you try to do something different and creative, and when that doesn't work, it feels bad, because you know I don't want to comment like that, but you know the same typical stories do work with the audience, and if someone tries to you know try to experiment with a nice story and it doesn't work, it hurts you because you put all your effort into it.
बट आई थिंक वी हैड डिसाइडेड दैट इट्स 150 एपिसोड्स का सीरीज एंड आई थिंक आई कांट यू नो इन फिल्म्स इफ आई एम प्लेइंग अ गर्ल हु इज म्यूट It's okay. I'll shoot for this many days, 3 months, 4 months, 6 months, and then it's done. Yeah. But in TV serials, we have to shoot every single day. And every single day being a mute girl, it is difficult because you're not using your words, you're using your fingers. I remember that after that show, when I started auditioning, it was difficult for me to understand dialogues because for a whole year, I was just using my hands to express. Was it difficult to come out of that character? Yes, it was. Because for the first time, for a month when I was auditioning in the month of May or June, it was difficult for me to deliver dialogues. I felt very different because for a year, I was not delivering dialogues. I was mute, so I was speaking with my sign language. So yeah, it was difficult. But how did it change you as a person, you know, the entire experience of doing Isharo Isharo Mein? How did it change you as a person? I think Isharo Isharo Mein had a lot of really good actors on set. Yeah. Like, I think I was very, very new. Even after doing two shows, I think I was very new because some of them were theatre actors and, you know, I didn't knew anything. So I think I learned a lot from Isharo Isharo Mein. Even if it worked, it didn't work, or it was for a very less span of time. But I learned a lot about life. And even that character made me learn a lot about body language because I never knew sign language. Mm. Even now I don't, but at least I know few things. So I learned a lot. Right. And, you know, as an actor, as you said, you want to experiment and you want to try out a web series or OTT as a medium. But with OTT, you know, jaise hum kehte hain ki realistic subjects ke saath, you know, gaali galauj aate hain, bold scenes aate hain. Are you open for that, Simran? For me, that should not be the selling point. Hmm. If, you know, if there's one scene which is reasonable, then that's okay, you know. But I would like to say that I'm a very shy person, so I don't know if I'll be really comfortable. It depends on if I get the right set of people, right story, right character, then I'll go ahead. But I don't like those, you know, which they sell on, you know, these two things. What kind of projects you want to do on television? Because we have seen you doing something like Isharo Isharo Mein, plus you have always also been a part of a show like Kala Tika, which was, you know, superstition pe chala gaya tha wo end mein. So you tell me ki are you open to doing the Nagin, Dayan and, you know, Ichhadhari, Saap and all wo karne ke liye aap as an actor kitni comfortable? To be honest, as an actor, I think एक वो एक कहीं तो एक actor के दिल में एक रहता है कि you know मुझे realistic ही करना है. वो एक खटकता है creative काम करना. Even एक creative show पे भी आपको 6 महीने बाद एक creativity आप lose करते हो क्योंकि इतने लंबे time तक serial होता है तो आप you know कितना करोगे तो वैसा हो जाता है. But to be honest, to be in this field, you know, as even film actors say, like really big film actors say this, that hum commercial films bhi karte hain aur hum realistic bhi karte hain. Yeah. Kyunki agar hum real karenge to fir we won't survive. So it depends ki agar wo interesting hai aur agar usse, I think mera career hota hai aage. So I might do it, but as an actor, I will really prefer something creative and realistic, always. Yeah. But if you're offered a show like Nagin, you will not say no, because you know that it's a big thing for any career. Yeah, it's a big thing. Yeah, I will think about it. But I don't know. I'll be really honest. I feel now Nagin has also become like a, like not Nagin how it was. So I think something new will come up which will be like Nagin. Sorry if I'm wrong. Yeah. And what about reality shows? Are you open to doing reality shows? Reality shows, I'm
I don't know. I'm a very simple girl, so I don't know if I'll fit into Big Boss or something of that sort. I can try something into dance because I love dancing. So maybe that. Or Khatron ke Khiladi? No. No. Dangerous person. I am, but I don't know. I'm scared of those ants creepy, and all. Creepy like, crawlies. Creepy things. Okay. And tell me, what about your parents' reaction when they first saw you on television or they saw you on screen? What was their reaction, and were you always inclined towards acting? Yes, I was, because I think I still am. my mom wanted to pursue into acting, but at that time it was not, you know, it was not, you like this, I don't know the right word. You get to know about the opportunities really well in this time of technology, where you know you can go on Facebooks, you can write auditions, and then you'll know. But in her time, you know, nobody knew how to be an actor, and she used to do a lot of theater and all. And my I think my dad was also always liked singing and like towards art, inclined towards anything art. So I just wanted to be an actor, you know, people scream at, and you know, the way I used to watch Govinda and Karishma Kapoor, and then I used to watch Shah Rukh, and you know, a typical girl who wants to be an actor. But later when I started working, I really fell in love with the craft, and now I want to be a realistic actor. Actor, yeah. So you have grown up watching the 90s films, and you know, the fame and adulation that the 90s star specially got. You know, aaj tak, we all have our favorites like Govinda, Shah Rukh, Salman. You know, they are still surviving. You tell me, who did you really look up to while you were growing up? Kisko aapne, you know, idolized kiya as an actor? Koi favorite tha aapka, jisko aap imitate karte thi mirror ke saamne baith ke? Yeah, jiske dance moves aap copy karti thi. I think wo Aishwarya Rai ka Crazy Ki Aa Re bahut hit hua tha gaana, to wo ek, I really liked it. And aise ek nahi hai, aise there, I like Kareena Kapoor a lot, like her role of Pooh in Kabhi Khushi Gham. So this is very typical. So later now that I really like cinema, then I like Irfan sir, I like Deepika, I like Vidya Balan, so more into the realistic zone. Before I was more into the Bollywood zone. So where did you start from, Simran? Which was the first audition that you gave and you thought, you know, ki mujhe ab jana hai, to kahan se aapne apni shuruaat ki? Hum Vaishno Devi ja rahe the, to wahan pe there was someone who spot me, and she said that, you know, Bharti Sharma naam hai unka, unhone bola ki, you know, I think so. Punjabi बहुत बड़ी family थी, तो हम अंताक्षरी खेल रहे थे, तो जिसको गाना नहीं आता उसको dance करना पड़ता है. मेरी family को गाना नहीं आता था, so I danced. So she really liked me. So she recommended. She recommended. She like suggested my mom that, you know, she should try. And I used to be in front of the mirror. I used to make poses and dance and, you know, feel like I'm an actress. So, and already because of my parents being inclined towards art, I started when I was really young. When I was 10 years old, I started giving auditions. But back then, I didn't know anything. I used to give ad auditions. And uske baad padhai aa gayi, to I like left it. Full-fledged, I started trying after my 12th. Commerce. I was in Mithibai, and then I'm like, should I pursue CA or should I do this? I thought of doing CA, but then I'm like, this is not my cup of tea. I'll just try my luck here. So starting mein rejections ka samna karna pada, and kitne time tak aapne kiya? Haan, main to bahut rejections face kiye hain, aur ye mujhe lagta hai ki aisa nahi hai ki तब मैं फेस करती थी, ये मैं आज भी फेस करती हूँ और शायद मैं फ्यूचर में भी फेस करूंगी, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप कैरेक्टर के हिसाब से नहीं दिखते हो, तो आप नहीं कास्ट होते हो, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अच्छे एक्टर नहीं हो.
तो तब बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत रोती थी और यू नो लाइक एवरी न्यू गर्ल आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट कि यू नो रिजेक्शन हो रहा है या द वे दिस इंडस्ट्रीज की आज काम है कल काम नहीं है, रिप्लेस होती है, स्टोरीज चेंज होती है ओवरनाइट. तो उस वक्त मेरे लिए बहुत मैं अफेक्ट हो जाती थी. नाउ आई नो कि यही है इंडस्ट्री, एक्सट्रीम्स है और आप अपना एक न्यूट्रल रखो माइंड क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन. तो आपका यू नो वो स्ट्रगल पीरियड कब तक चला, कितने टाइम तक चला टू बैक दैट वन यू नो लीड रोल? आई थिंक आई मेड माय पोर्टफोलियो इन माय 11th स्टैंडर्ड, सो आई थिंक आई गॉट माय शो इन माय फर्स्ट ईयर, सो आई थिंक वन ईयर, मोर देन अ ईयर और वन ईयर, या आई हैड गिवन ऑन. आई यूज्ड टू गेट शॉर्टलिस्टेड बट नोबडी कास्ट like casted me, so I used to be very disappointed ki shortlist hoti hu par mereko koi leta nahi hai. So phir what kept you going during that phase, kyunki aap jaise bol rahe ho aapko bura lagta tha, but what kept you going? Main actually give up kar dena chahti thi us waqt, but mere parents bolte the ki nahi hoga hoga, to ye pura credit unko jata hai, unhone mujhe push kiya ki hoga होगा. आई रिमेम्बर टेलिंग माई मॉम कि मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, आई विल डू माई ग्रेजुएशन एंड आई विल जस्ट डू एमबीए और समथिंग. शी इज लाइक नो कीप ट्राइंग, हो सकता है, हो सकता है. एंड या वन डे इट हैपेंड एंड दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस. बट यू नो इंडस्ट्री का जैसे जिस जो जो बात आपने कही कि इंडस्ट्री का एक ये भी साइड है दैट यू नो इवन इफ यू आर अ गुड एक्टर और 2-3 शो ओल्ड, sometimes because of the storyline or circumstances, actors get changed overnight. Wo kitna tough raha hai aapke liye ki you know you have shot for the promo or maybe you are considered for the role, aapki baat bhi ho chuki hai but you got to know ki kisi aur ne wo project sign kar liya. Wo actor banne ke baad kitna difficult hota hai? एक्टर बनने के बाद आई थिंक वो हर ह्यूमन बीइंग के लिए जो एक्टर बनना चाहता है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. एंड आई वाज अ वेरी आई एम स्टिल अ वेरी सेंसिटिव गर्ल, तो मेरे लिए तो मैं बहुत दिल पे ले लेती थी और मैं बहुत रोती थी उस चीज को लेकर. बट व्हेन यू नो आप कब तक रोओगे, कितने रिजेक्शंस पे आप यू नो कितनी बार कोई साउथ की पिक्चर किसी और लड़की को मिल गई, मैंने साइन किया है और रात को मैं न्यूज़ पे पढ़ती हूँ कि वो किसी और को मिल गई और मैं रात भर रो रही हूँ. तो फिर मैंने एक बात सोचा कि मैं कब तक ऐसे रोऊंगी ना, ये तो मतलब मैंने देखा ये तो होते ही रहता है, इट्स केओस. तो इट द मोर यू बिकम एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स इट कि दिस इज हाउ दिस फील्ड वर्क्स, देन इट बिकम्स इजियर. एंड टीवी में भी कभी ऐसा हुआ दैट यू might have got overnight replaced या किसी और को आपका रोल दे दिया गया हो या लास्ट मिनट बोला हो कि शो में लीव हो रहा है, नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फेस? या आई थिंक इन माय फर्स्ट शो दे टुक अ लीव, सो देन दे इंट्रोड्यूस समवन एंड देन दे वर लाइक दे विल रिटर्न मी, वापस मुझे लेकर आएंगे. बट और वो लेकर आना भी चाहते थे लेकिन फॉर अ मंथ आई कुडंट वेट. So I was great. I'm grateful to God ki mujhe usi waqt dusra show mil gaya and I took up the other show. But wo mere liye ek bahut hi, kyunki I was shooting for like 8 months aur uske baad agle din aapko shoot pe nahi jana hai achanak aur ek mahina wait karna hai, to wo ek ajeeb feeling ho jati hai. It came as a shock for me. बट कहीं ना कहीं वो जो आप साउथ इंडस्ट्री का जिक्र कर रही थी, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज भी है बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम साउथ एंड यू नो आप वो उस सर्कल में हैंग आउट नहीं करते, आप एक कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपको वहां रहना पड़ता है, यू हैव टू मीट पीपल विच यू आर नॉट डूइंग बिकॉज यू आर बिजी विथ योर करियर हियर ऑल्सो. वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक डिसएडवांटेज भी साबित होता है? हाँ मुझे ये लगता है क्योंकि आई थिंक मैं जब वहाँ पर गई तो मुझे वो लैंग्वेज ही समझने में बहुत वक्त चला गया कि मुझे वो इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था. मुझे ये भी नहीं पता था कि अल्लू अर्जुन कौन है. तो हाँ तो मुझे मैंने स्टडी की, मुझे पता चला. तो आई थिंक वो एक डिसएडवांटेज है लेकिन आई थिंक I don't know. I just feel ki it's all destiny. It's all God, I think. It's all destiny. It's all God. No, you have to work hard. But I think there's something there up jo aapka saath deta hai. To haan, agar aap ek South Indian ho, to aap thoda ek understand karte ho, you know. It's
इट्स सेम कि जैसे मुंबई महाराष्ट्र में लोग आते हैं इधर से उधर से, उनको एक अलग लगता है, वैसे मुझे वहाँ अलग लगा. एंड ऑल्सो यू वर नॉट स्टेइंग देयर यू नो कम्प्लीटली, सिर्फ आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे, देन यू आर मूविंग बैक टू योर यू नो प्लेस मुंबई एंड यू आर वर्किंग हियर. तो आप अगर कॉन्टेक्ट बनाएंगे वहां रहेंगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे, इट्स लाइक दैट. हाँ ज्यादा आएंगे, बट मैं दोनों नहीं कर सकती, टीवी और ये. इनफैक्ट मैंने एक और मूवी की थी साउथ की, वो रिलीज होने वाली थी लेकिन ये कोविड आ गया तो थिएटर्स ही बंद हो गए. इट वाज विद इट वाज इट्स अ न्यू ही इज अ न्यू एक्टर. ओके ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो. इट वाज लवली टॉकिंग. Thank you. It was lovely being here with you. Thank you so much. Bye. Take care. Bye. Take care.